जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की बम्फर भर्ती की, तो वो भर्ती आ चुकी है, ऑनलाइन की डेट आ गई है। चलिए आपको इसकी आज मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज है 25 मार्च 2021 और आज ही इसकी ऑफिशियल साइट पे ऑनलाइन का डेट शो कर रहा है, साथ ही साथ आप लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस भर्ती को सिर्फ क्लास 10th पास, मात्र आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इसकी ऑनलाइन की जो बड़ी खबर आई है, खुशखबरी है, वो भी आपको बताएंगे। स्टार्ट हो चुका है और संभावना इसमें जताया जा रहा है कि 40,000 से अधिक पद शायद शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसकी ऑफिशियल साइट पे चलेंगे और साथ ही साथ आपको लिंक भी दिखा दिया जाएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जितने भी डिफेंस ज्वाइन करने वाले लड़के या लड़कियां हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी डिफेंस की जानकारी आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन या फॉर्म की मिलती रहे। चाहे आप आर्मी का देखते हैं, एसएससी का देखते हैं, कांस्टेबल पुलिस के अंतर्गत देखते हैं या बीएसएफ, किसी भी रैली का आप वेट कर रहे हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब आपको आगे की जानकारी हम देने जा रहे हैं। फिलहाल में हम थे सरकारी साइट पे और सरकारी साइट पे यहां पे शो कर रहा है कि आप यहां देख सकते हैं 25 मार्च यहां पे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2000 जो ये 20 वाला ऑनलाइन फॉर्म था, अब 2021 का, ये 2020 में आने वाला था, अब 2021 में आ चुका है। यहाँ पे पोस्ट डेट है 25 मार्च 2021 12:55 पे ये जारी हुआ है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन वगैरह वगैरह जो भी इसका एलिजिबिलिटी लिखा है, ठीक है। अब आगे इसमें हाइट, लंबाई, पढ़ाई, कितनी पोस्ट है, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले बता दें, एप्लीकेशन फीस इसका 100 रुपए है। जनरल, ओबीसी, ईवीएस, इसका एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। एससी एसटी वालों के लिए बिल्कुल छूट है, 1 रुपए भी नहीं। ऑल कैंडिडेट फीमेल, लड़कियों के लिए 0 है, ठीक है। यहां पे इसका एप्लीकेशन बिगनिंग 25 तारीख तीसरा महीना 2021 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई है 10 तारीख पांचवा महीना 2021 शाम के 5 बजे तक सिर्फ, ठीक है। और लास्ट पेमेंट डेट है 10 तारीख पांचवा महीना 2021 और एग्जाम डेट सीबीटी 2 तारीख से 25 अगस्त के बीच में हो सके तो होगा। और एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन सून आएगी, वो आपको कैसे पता चलेगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटाक से उस पर दबा दो, एडमिट कार्ड आएगा तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या और बता रहा है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन ऑन एक्स्ट्रा, मतलब आर्मी जो इसमें छूट आपको मिलेगी वो किस रूल के हिसाब से मिलेगी वो भी आपको नोटिफिकेशन में बताया गया, ठीक है। छूट अगर 5 साल तक मिलती है तो 23-5 27 साल तक ये कांस्टेबल की आप अप्लाई कर सकते हैं शायद। चलिए आगे बता देता हूं, इसमें एलिजिबल कांस्टेबल में कांस्टेबल की पोस्ट है और वेरियस पोस्ट है, इसके अंतर्गत 6-7 पोस्ट आती हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। और एलिजिबिलिटी में मैंने जैसे कि बताया, मात्र 10th पास होना चाहिए भारत के किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, ठीक है। यहां पे अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में यहां पे कैटेगरी में हाइट, हाइट में लड़कों का 1.70 से कम होगा तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और मेल एसटी में यहां पे 1.65 और फीमेल जनरल ओबीसी एससी जो लड़कियां हैं उनका 1.57 चाहिए और फीमेल एसटी हैं तो उनका 1.55 चाहिए। और चेस्ट यहां पे 80 से 85 होना चाहिए मेल जनरल ओबीसी एससी का और यहां पे 76 के 80 के बीच में होना चाहिए मेल एसटी का। और फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे रनिंग आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी रहती है सभी लड़कों को, और लड़कियों को 5 मिनट में, यहां पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में यहां पे मेल एसटी के लिए, और लड़कियों के लिए यहां पे 8.5 मिनट दिया जाता है। लड़कों को अगर 5 मिनट दिया जाता है तो लड़कियों को 8.5 मिनट दिया जाता है, यानी 3.5 मिनट अधिक दिया जाता है, ठीक है। और यहां पे इनके लिए भी इतना ही है। तो यहां तक आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहां पे फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, जीमेल, मोबाइल नंबर, ये सब इसमें लगेगा, ये सब लिखा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे अप्लाई, यहां पे देख रहे हैं अप्लाई की लिंक, अप्लाई लिंक एक्टिवेट टूडे, आज से इसका हो सके तो रात को या शाम को से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन का फॉर्म भर के बता देंगे कि कैसे इसका फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है, तो उसके लिए फटाक से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटाक से प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि सभी रैली की अपडेट आपको मिलती रहे। और यहां तक अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी समझ में आई हो, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और भी कोई पर्सनली सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है राकेश SY2 RAKEESH
H Y 2, वहां पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा SY2। इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे फॉलो करके कोई पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।